तो हाय गाइस, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ अभी। तो आज का वीडियो फुल जुगाड़ है। तो ऐसा आपका अगर मोबाइल को कुछ डाग भी है तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे गायब कर सकते हैं, इसका हम तरीका लाया है। और अगर आपके मोबाइल को इधर स्क्रैच नहीं आने देना है तो उसका भी ये तरीका हो सकता है। बहुत यूज़फुल है ये और आपका फ़ोन भी अच्छा दिखेगा। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ ये आपको बताता हूँ। आज हम एक हमारा जो मोबाइल है जो पीछे से ख़राब हुआ है उसको हम एक एप्पल आईफोन का लुक देंगे, उसको एक कवर करेंगे स्किनर। इसके लिए पहले तो हमें एक ये चीज़ लगेगी जो कि आईफोन की स्किन बोलते हैं इसको। ये आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगी किसी भी मोबाइल स्टोर पे या फिर स्टेशनरी स्टोर पे। वो हमको लगा के भी दे सकते हैं पर हम भी इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको आज लगा के दिखाएंगे। और दूसरी चीज़, एक शार्प नया वाला कटर लगेगा क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से काटना है। तो बहुत कटर तो लगेगा ही। तो और हमें लगेगा एक दिया, मतलब आपको आग का कुछ तो चाहिए, आग या फिर गर्म हवा देने वाली चीज़। शायद से ब्लोअर भी चलेगा आपको, कैंडल भी लगेगी और ये भी चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका फ़ोन सही से ऐसा रखना पड़ेगा और फिर इसको ये जो है वो निकालेंगे। तो अभी हम इसको मोबाइल के ठीक ऊपर रख के बराबर जजमेंट लेके लगा देंगे। तो ऐसे लगा लेंगे और जो बबल्स होंगे तो वो फिर से निकाल के बराबर प्रेस कर देंगे। तो अभी जस्ट हम इसको ऐसे कर्व्स पे फोल्ड करेंगे टाइटली, एकदम ज़ोर से दबाना है। तो एक साइड ऐसे लगा दी, वैसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। कैमरा बीमेरा हम सब ब्लास्ट में काट देंगे। तो ऐसा हमने लगा दिया है। वैसे ही इस साइड का तो अभी हमने इसके थोड़े बचे हुए बबल भी निकालेंगे। फिर अभी आया हमारा कटर। तो कटर से हम इसका पूरा डिटेल जैसे कि कैमरा है वो एकदम हल्के से काट लेंगे। अभी हम फ्लैश कट कर रहे हैं। मादा आईफोन प्लस कट कर रहे हैं। अभी हमने फ्लैश और इसका कैमरा कट कर दिया है। तो अभी हम इसका अभी साइड काटेंगे। तो साइड के लिए पहले इधर नाखून से हम दबाएंगे सब पूरा जो एज है। तो इसका एज दिख रहा है हमको थोड़ा थोड़ा, इसका इतना परफेक्ट एज नहीं है। थोड़े मोबाइल्स का बहुत मस्त एज होता है जो एकदम आराम से कट जाता है। देखो दिख रहा है क्या आपको थोड़ा, ये जो इधर एज है ना उधर ही हम ये कटर घुमाएंगे। तो अभी इतना काट देते हो। तो अभी हमने इसको कट कर लिया है। अभी सब साइड से ऐसे कट करेंगे फिर एक साथ निकालेंगे। तो अभी हम हमारा अभी ये काम में आएगा। तो अभी हम इसको आग लगा देंगे। तो अभी हमें आग लगाई क्योंकि जो फोल्ड है ना इधर के वो बराबर नहीं लगते। तो इसको हम ज़रा दिए के पास लेके जाएंगे जिससे ये थोड़े मेल्ट हो जाएंगे। देखिए ये अभी ये जला ही देते हैं, ऐसे मेल्ट हो जाते हैं वो लोग। तो अभी ये ऐसे दिए के पास लेके जाएंगे।
तो सेम दूसरे साइड पे भी। तो अभी हम इसका ये पावर बटन, वॉइस, वो सब ऐसा एकदम बारीकी से निकालेंगे। तो अभी हमने इसका वॉल्यूम का तो काट दिया है, अभी दूसरा करेंगे। तो दूसरा भी काट दिया। तो अभी इधर नीचे इसके स्पीकर है, तो नीचे भी स्पीकर में ऐसा एक एक स्पीकर को होल करके काटेंगे हम लोग, ऐसे होल करेंगे जिससे स्पीकर में से आवाज़ आता है। और अगर आपको और ईजी चाहिए होगा तो डायरेक्ट बॉक्स काट दीजिए। अभी मैं डायरेक्ट बॉक्स ही काटने वाला हूँ।